हे गाइस वेलकम बैक टू वीडियो। तो यार मैं अभी लेके आया हूँ इस डॉग को खेलने के वास्ते। अभी ये वॉशरूम इसको करना था, इसको मैं लेके आया हूँ घुमाने के लिए। अभी इसके पास जंजीर भी रखी है बट वो छोटी आ गई, जो पट्टा लेके आया था। इधर पे एक चीज दिखाता हूँ, सामने तो मैं भीड़ दिख रही है कितने सारे लोगों की, उधर ही बगल में जाके दिखाता हूँ। ये हाईवे के चक्कर में इतनी सारी भीड़ हो चुकी है लोगों की, बहुत तेज वाली। अभी अभी भाई ये हाँ घास खा रहे हो, उल्टी करना है इसको लगता है मेरे को, उल्टी करने के वास्ते घास खाते हैं ये। चल भाई, ये इतनी लंबी रस्सी गाय के लिए होती है बट हम डॉग के लिए बांधते हैं। सोचो अब इतनी लंबी जंजीर कहाँ से लाएंगे, इसलिए रस्सी अच्छी है ना। शहर के लिए अच्छी रहती है कि वो जंजीर तुम बांधो दिखाने के लिए, रस्सी सही है वैसे तो, रस्सी इज बेस्ट क्योंकि डॉग कंट्रोल में रहता है क्या, जंजीर हाथों में भी चुपती है तुम्हें, और ये सही है रस्सी हाथ में इस पकड़ लो, बिल्कुल सही रहती है, कंडीशन भी इसकी सही रहती है। चल तू चल 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 चलो 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 चलो। चाची कहाँ है, चाची उधर भी गाऊंगी। चलो चलो आ जाओ, चलो आओ तुम्हें घुमा के लाए, घर पे ही चलते हैं चाची के। आ जा, हर कहीं नहीं जाओ। ये बेरी लगी अपने, इसमें बेर भी अच्छे हो गए हैं काफ़ी, और ये कितने सारे बेर लगे। मेरे सपने में चीताफल के पेड़ लगा था, वही बड़े बड़े चीताफल, बड़े बड़े चीताफल। अभी तो ये कभी बेचारा पेड़ कट गया तो पड़े हैं। इधर पे सांप दिखा था तुम्हें याद है, एक बार इधर पे स्नेक था, वो मैंने वीडियो बनाई थी, कितना बड़ा स्नेक था ना इधर पे। अरे यहाँ बड़े बड़े स्नेक घूमते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें घूमती रहती हैं, बहुत कुछ घूमता रहता है हमारे यहाँ तो भैया, स्नेक ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। अरे भाई सामने कितनी सारी भीड़ हो चुकी है, सब जगह भीड़ हो रखी है। उधर पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, मैं उधर पे ज़्यादा नहीं जा रहा, क्या करेंगे अपन, उधर का अपना कुछ काम नहीं है उधर का भाई। यार भाई जो मेरा पैर मोचा था वो मैं सही कर रहा हूँ, डाल करके देखो इसमें आराम से, गरम गरम पानी में नमक डाल के, फिर मेरा पैर सही हो जाएगा, क्योंकि वर्कआउट मेरा कम ही हो पा रहा है इसकी वजह से। वर्कआउट 2 घंटे की जगह अब आधे घंटा 1 घंटा हो रहा है। अब पाँव पे ढाल करूँगा तो कह रहा मेरा पैर भी सही हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी मुझे, चलने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे अभी। तो यार देखो अभी बुआ बना रही है दीदी इधर पे, ओरे मारो दी करो आगे इस पे रील बनाने की शौक चल रही है इधर पे, ये देख रहे हो, ये रो रो के सो रही है मैडम जी रोने गाने और बस लड़ने में आ गए हमारे घर के सबसे आगे, आस्था तो और आगे भैया। ताकि ये बिल्ली देखने लगी है, अभी इसके गुण थे अच्छे चिल्लाने वाले, बताना बताओ 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 नहीं बताएंगे वो, रील नहीं बताएंगे क्योंकि उनका शर्म आ रही है, रील भैया रील पे शर्म आ रही है। चलो अपन देखते हैं कैसी रील बनाई है नहीं ये वाली। तो यार भैया देखो इधर पे बुआ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है बताइए। एक बड़े नाम का मनुष्य है। अच्छा हाँ, इनको दिक्कत हो रही है उनसे, और भी आदियों को आ रही है मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस घर से लगती है, इसे अंदर है घर वाले जिनका घर है, इससे कितना बड़ा घर बनाया ये, हमारी जगह फालतू में 5 फुट अंदर कर ले, ऐसे बड़े पापा की जगह है ये, क्यों वो नहीं बोल रहा तो अपन क्या बोले, सही बात है ना, वो ही नहीं बोल रहा भैया सामने वाला जिनकी जगह है, अपन क्या बोल सकते हैं। तो यार भाई देखो अभी हम इधर घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम लगा रहा है, मैं अपनी थोड़ी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था, बट अभी तलवार नहीं है, अभी हाथ में क्या है ये लकड़ी छोटी सी पतली वो रुकड़ी वाली, बट आ जाएगी साथ में तलवार भी लगभग 1-1.5 साल बाद। वो थोड़ी वो कटाना जो है बहुत महंगी आ रही है भैया, बहुत महंगी है वो कटाना, 80-90 हज़ार की एक कटाना, मेरे को चाहिए दो, बहुत महंगी कटाना है तो लूँगा मैं आराम से, जब मैं खुद कमाने लगूँगा 1-2 साल के अंदर ले लूँगा। तो यार भाई चलो चलते हैं घर में, अब इधर पे ये लोग भी आए हैं मेरे साथ, इधर पे घूम रहे थे हम भाई भी देखते देखते घूम रहे थे, आज बहुत सारे लोग आए थे, मतलब रोज भीड़ लगी रहती है इधर पे। तो यार भी हम सब लोग जा रहे हैं अभी घर पे, हमारे घर पे ऊपर बैठेंगे छत पे जाके, सब लोग आराम से, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, पता नहीं लोग ठंडे में बैठने में क्या मजा आता है। भैया भी आ रहे हैं, आस्था पहले से उधर ही है शायद। यार भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारे यहाँ, यहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ ऊपर सूरज है, और इधर हम सब लोग बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं इधर पे हम बैठे हैं, इधर पे सब भैया भी हैं, आस्था भी है, सब लोग हैं। कितना प्यारा लग रहा है भाई सूरज सामने, देखो देखना वाओ कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। यार भाई मेरा वर्कआउट चल रहा है ठीक है, ये पैर मोचा था जो थोड़ा बहुत अभी सही हो चुका है, तो मैं कर रहा हूँ वर्कआउट आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रही है। ये भी कर रहा था बट इसकी बॉडी डाउन चली गई, इसके हाथ देखोगे तुम ये कितने पतले पतले हुए। यार जिस जिम जाता था मुझे बताता था कि देख बॉडी, अब तुम देखो बॉडी, बॉडी देखो बॉडी बॉडी डाउन हो गई भैया इसकी तो, बहुत तेज वाली। कोई ना भैया अपन अपने वर्कआउट पे फोकस करते हैं अभी, अभी थोड़ा बहुत और बचा है, मतलब किया ही कितना है, बहुत कम किया है अभी तो, बाकी करना है बहुत सारा। तो चलो मम्मी तो है नहीं अभी, कोई नहीं है घर में, बुआ भी नहीं मम्मी भी नहीं, वो गई हैं थोड़े कपड़े वगैरह डालने के लिए उनके ही वाले, अभी देखते हैं बाहर, नहीं आई है भैया, अंधेरा मचा पड़ा है, कोई भी नहीं है, हमारे डॉग बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, हमारी एक डॉगन भी ऐसे ही बैठी है, सब लोग ऐसे ही बैठे, मम्मी वगैरह अभी तक नहीं आई है, बुआ और मम्मी। यार भैया देखो ये कैसे सो रहा है, इसको जगह नहीं मिलती, इसको सब परेशान करते हैं, तो बैग पे आराम से चढ़ के इसमें सो रहा है, काय में इसमें सो रहा है, हाँ मैं आराम से सो जाऊंगा, कोई परेशान नहीं करेगा इसको। अभी इधर पे सो रहा था तो आस्था आके सो गया, आस्था के साथ कौन सो रहा है, बिल्ली सो रही है छोटी वाली, नहीं सो रही कोई,
नहीं सो रही है, अकेली पड़ी है इधर पे। अभी तो सो रही थी, मतलब इधर पे सो रही थी, तो ये आगे इसलिए उठ के भाग गई वो। और भाई ऋषभ भैया नहीं है इधर पे, कोई नहीं बैठा है। अब हमारी गाड़ी का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी गाड़ी। आज गाड़ी का हमारा बर्थडे है, आज एक साल कंप्लीट हो चुकी है हमारी गाड़ी को। और भाई कुछ भी डैमेज, इतना सा भी डैमेज, थोड़ा बहुत है डैमेज, थोड़ा बहुत बहुत जस्ट, मतलब 100% में से ओनली 98% हमारी गाड़ी सही है। 2% डैमेज होगा पूरी गाड़ी में एक साल में। और ऐसा ही हमारे मोबाइल के साथ भी है, क्योंकि हम भाई प्यार से रखते हैं हर चीज़ को, बहुत प्यार से। देखो भाई बाइक कितने प्यार से रही, कितनी सही बाइक है भाई हमारी। हैप्पी बर्थडे मेरी बाइक, प्यारी सी बाइक, भैया की बाइक है, मेरी तो नहीं है, मैं 18 प्लस भी नहीं हूँ अभी, बट चलाता मैं ही हूँ इसको सबसे ज़्यादा। हाँ मेरे हाथ में रहती है ये, सही है, इसलिए एक नंबर की बाइक है। एक हाथ में रहे तो गाड़ी सही भी रहती है, और 10 हाथों में रहती तो ख़राब होती है, ये बात तो सही है भाई। एक नंबर की बाइक है, एक नंबर, किसने एक साल में बहुत बहुत अच्छा दिया हम लोग को रिजल्ट जो हम चाहते थे। एक नंबर की गाड़ी चली भाई, इसका एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ एक नंबर है, और बस यही है, थोड़ा रेंज वगैरह हम दिक्कत दिखा रही है ये अभी, वैसे एक नंबर की गाड़ी है हमारी ये। चलो यार थोड़ा तापते हैं आग जल्दी, इधर पे डॉगी हमारी बैठी हुई साइड में, उसको ठंडी लग रही होगी ना, इसलिए चूल्हे के सामने, मतलब आग के बगल में बैठ गई, उसको ठंड ना लगे इसलिए। और ये हमारी पापा की बाइक, पता नहीं कितने साल की हो गई है, इसको हो गया, इसको तो काफ़ी ईयर हो गए भैया, बहुत साल हो गए बेचारी बाइक को। 2014 में ली थी पापा ने शायद, 2013 या 2014 में भी हमें कुत्ता ही याद है, वो भी सेकेंड हैंड ऐसे काम चलाने के वास्ते, ठीक है। हाँ हो गए होंगे भाई 20 साल से ऊपर हो गई ये गाड़ी, और ज़्यादा ही कुछ, और ज़्यादा शायद मेरे को नहीं पता, इतना नहीं पता मेरे को ऐसे। और यार हम लोग के पास पहले थी स्कूटर, पहले लोगों के पास स्कूटर होती थी बहुत, उनको भी अमीर माना जाता था, तो हमारे पास एक स्कूटर थी पापा के पास, उससे हम घूमने जाया करते थे भाई, बहुत बहुत मजा आते थे स्कूटर को। स्कूटर थी लगभग 2008-09-10 ऐसे में, बहुत छोटा था, लगभग 2-3-4 साल का उस टाइम पे। तो यार चलो बाय बाय।